मैम, आलमपुर से लगभग 217 व्यक्ति यहाँ पर आए थे एफआईआर को लेकर, आप इस विषय में क्या कहना चाहती हैं? इनको मृत घोषित कर दिया गया है। हाँ, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी करीब जब मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था 19 तारीख को आलमपुर, तो आवेदन लेकर आए थे ये वहाँ के जो कर्मचारी थे गुर्जर, राहुल गुर्जर जी, तो उन्होंने जो आवेदन हमारे यहाँ दिया था उसमें कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उनको बताया गया था कि आप इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लें, उसके बाद फिर इसमें FIR हम कर पाएंगे। तो उन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा था, 10 दिन, 8-10 दिन का टाइम मांगा था। तो अभी उनसे हमने लगातार हम उनके संपर्क में थे, उन्होंने बोला 70% करीब 60-70% हमने कागज़ जोड़ लिए हैं सारे, और बाकी 30% और रह गए हैं, तो हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो ये जो आए थे श्रमिक वगैरह, तो जो उन्होंने जो बताया, जो अभी आए थे अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह मेहताब सिंह वगैरह जो भी आए थे, अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बताया कि ये लोग हमारे पास बार बार आ रहे थे, हम यहाँ पर आए हैं आपके यहाँ बताने, ये लोग सब परेशान हैं, तो हमने बता दिया, हमको आश्वासन दे दिया है, बता दिया है कि इसमें FIR निश्चित तौर पर होगी, लेकिन सारे साक्ष्यों के आधार पर ही होगी, तो सारे साक्ष्य जैसे ही हमारे पास आ रहे हैं तो मैं FIR करूँ आज। धन्यवाद। बहुत से लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, उनके नाम से राशि भी निकाल लेगी, इस विषय में आप क्या करेंगे? जी, संज्ञान में आया है मेरे मेजर मैटर, अभी आज मैं यहाँ पे सुबह से आया हूँ, बहुत सारे लोग अपने अपने आवेदन या कुछ कागज लेके आए थे जी, और इसकी मैंने अपने नगर परिषद के कर्मचारी को अधिकृत कर दिया, वो सबका लेके श्रम पोर्टल पर और जो जन्म मृत्यु पोर्टल पर इनकी हम जानकारी निकाल रहे हैं, और हम FIR कराने के लिए निरंतर प्रयासरत भी हैं। जी सर, SDM का आदेश था कि 14 तारीख को FIR होनी थी, लेकिन हमारा जो SDM साहब ने अधिकृत किया था हमारे बाबूजी को, वो गए भी थे, तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट लगा दी है, उसमें कुछ साक्ष्य मांगे और कागजात मांगे, तो वही हम पूरी पूर्ति कर रहे हैं, कि 23 बिंदु की है, 23 तरह के कागज मांगे हैं उसमें। अच्छा, लोगों को कहना है कि लगभग 217 ऐसे मामले हैं नगर पालिका में, किसी की अंत्येष्टि द्वारा निकाली गई राशि, किसी के विद्या पेंशन, मतलब बहुत सी समस्याएं ऐसी आ रही हैं, सारी समस्या संज्ञान में आ गई है, इसीलिए हमने हमारे ARI हैं दिलीप वर्मा जी, हमने उनको अधिकृत कर दिया है, वो सारे आवेदनों को कलेक्ट कर रहे हैं, और जितने आवेदन आ जाएंगे इनके, आज भी काफी आए हैं, तो उनका और जो सफाई हुई है, सफाई कर्मचारी मांग को लेकर बैठे हैं, सफाई कर्मचारी तो वेतन के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अब शासन स्तर से पैसा नहीं आया अभी तक, हम वेतन डालने में मना नहीं करते, अभी हमने कितने दिन पहले वेतन डाला है। उनके साथ कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? उनका कहना है, अभी उन्होंने बाइट दी, उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभद्र भाषा का उपयोग किसने किया, वो बताया ना, ये तो वही बता देते, कौन भी बोलता उनसे। अभी कुछ दिन पहले संज्ञान में ये मामला आया था कि नगर परिषद के सहायक ग्रेड 1 शिवशंकर जाटव बाबूजी द्वारा कि संबल योजना के हितग्राहियों के साथ और भवन निर्माण कर्मकार के हितग्राहियों के साथ 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए मतलब 2 लाख रुपए की सामान्य मृत्यु की राशि गलत तरीके से अंतरण कर ली गई है। तो ये मामला कुछ दिन पहले, आज से 15 दिन पहले पूर्व में आया था, इसको संज्ञान में लेते हुए सभी कार्यकर्ताओं द्वारा इसको SDM साहब को शिकायत की गई थी मृतक रामदास राठौर के संबंध में, उस पर आज नगर ऐसे मामले और भी सामने आए हैं आज, तो इसको संज्ञान में लेते हुए आज सभी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आलमपुर थाने में FIR की मांग की गई, और आज FIR आलमपुर थाने में दर्ज की गई।